सिवरेज की लाइनें बोसीदा या करप्शन का जाल, वजीर आला पंजाब के आबाई शहर का हो गया बुरा हाल। डेरा गाजी खान में जगह जगह गड्ढे पड़ गए, दो दर्जन से ज्यादा मकामात मुतासर, कंगन रोड, प्याले वाली पुल और सदर मार्केट शामिल। कमिश्नर और डीसी दफ्तर के सामने कचहरी रोड भी ग्राउंड फेलियर्स की जद में, शहर का 70% हिस्सा गंदे पानी की नजर, पानी घरों में दाखिल, शहरियों का नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालिबा। वजीर आला पंजाब के शहर में ग्राउंड फेलियर्स का जिम्मेदार कौन? डेरा गाजी खान में नाके सिस्टम ने इंतजामी की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। ग्राउंड फेलियर्स का इल्जाम महकमा पब्लिक हेल्थ डीजी खान के जिम्मे, एसई पब्लिक हेल्थ इकराम हाशमी ने कहा कि ग्राउंड फेलियर्स को पब्लिक हेल्थ से जोड़ना गलत है। पब्लिक हेल्थ सिवरेज सिस्टम बनाकर मुतलका महकमे को देती है, सिवरेज लाइनों की देखभाल करना मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का काम है। और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरिया सिंध ने तबाही मचा दी, सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल, कई बस्तियां और सरकारी इमारतें जेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द, लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। मुकामी इंतजामिया सिर्फ दरिया चनाब पर हिफाजती इंतजाम करने तक महदूद, असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन अहसन ने मुतासर इलाकों में मौसर इकदाम की यकीन दहानी करा दी।